नाश हो रहा, तुम इसको कुछ भी नहीं करोगे, कार्रवाई नहीं करते, हम इधर आओ तुम इधर जाके लुक जाते हो, हम इधर जाओ तुम इधर चले जाओ, तो मतलब क्या है? हम रोड को जाम करेंगे, ऊपर केएमपी को जाम करेंगे। जब उनने कदम उठाया, फिर उनने फोन कराया डीसी के पास में किया, फिर डीसी ने टीम के पास किया, जो गोताखोर की टीम थी वो टीम के पास किया। फिर टीम वहाँ और रात को पहुंची थी 2:30 बजे 3 बजे थी। फिर बोले भाई अब तो नहीं उतरेंगे, तो हमने कही भाई ये जो सिलेंडर है ये हमारा लगा दे, हम अपने बच्चा ना आपको लेंगे, सारी जरूरत भी नहीं है। सागर खेड़ का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देसवाल की राम राम, नमस्ते भाई। हाल फिलहाल बादली गांव में बैठे हैं और यहाँ पे ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है कि भगवान ने जो दुख दिया है यहाँ पे इस परिवार को बिन तोले दिया गया है यहाँ पे, हम यही कह सकते हैं। लेकिन आज हम भगवान के चरणों में ही हैं और भगवान से हमारी विनती है, ये प्रार्थना की भगवान उन बच्चों को अपने चरणों में जगह दे। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र। सुरेंद्र भाई साहब, ये क्या हादसा था? बड़े भाई थोड़ा बताओ दर्शकों को डिटेल। भाई ईसा था, वो बड़ा भाई खेत में जा था जी। तो घर तक आए थे, दो बच्चे वहीं से पहला है, दो पोते बैठे थे, तो ये आड़े भाई का और बड्डे का घर पड़ा से हो, तो गोरे में ये बच्चे खेल रहे थे जी। तो गोरे में खेलते खेलते तो छोटा बोला कि आजा भाई उड़े चल लाएंगे, दादा गल भाई खेत में चल लाएंगे। बोला भाई कोई ना रान दे नूला, तो कल किस टाइम की बात है? कल ये है 5 बजे से की बात, 5 बजे गए थे ये साथ में। हादसा होया जो वो 6 के बचाले से होया। अच्छा अच्छा। हाँ तो घर से निकल गए? ये घर से निकल गए थे, 4 बच्चे गए घर से, 4 बच्चे गए, 4 बच्चे फिर ये खेत में गए, तो फिर ये खेल रहे थे अपने लत्ते काट के, कुश्ती करने आए थे, अपने कबड्डी खेलने आए थे। कितने साल के ये बच्चे? ये 1-8 का था, 1-9 का था और उस तय 1 और 8 का था, 1-14 साल का था। अच्छा, तो ये 4 बच्चे थे, तो 4 माँ थे। ये जो खेलते खेलते वे नहर के नहर चले गए जी। वो फिर वो अच्छी पटड़ी चोरी है तो बाहर रखी थी, तो उस पर बहान सा कर रखा था, बोला ये छा है आड़े खेल लेंगे, बोला दिन छप्पर से भाई चल चल लाँगे, बोला था एक एक के एक रेड मारांगे फिर चल लाँगे। तो अगर जो उस पर कुछ सुविधा होती पटड़ी के ऊपर, कौन सी नहर है यार एक बार बताइए? XYL है। XYL? हाँ जी। अच्छा, तो उसके ऊपर थोड़ी सुविधा होती तारों की या भीत की, तो ऐसा हादसा कभी होना नहीं चाहिए था, किसी बच्चे के साथ भी नहीं होना चाहिए था। ये हादसा इसीलिए हुई, कोई सुविधा नहीं थी वहाँ, सुविधा नहीं। हाँ, तो बच्चे खेलते खेलते पैर रपट गया, तो पैर रपटा तो एक बच्चा गया तो दूसरा बच्चा उसको बचाने के लिए भाग गया, तो अंदर वो पड़ा तो दूसरे ने भी इसको पकड़ने के लिए अंदर भाग लिया, कोशिश करी तो वो भी अंदर चला गया। फिर तीसरा बच्चा भाग गया, तो तीसरा बच्चा उसको पकड़ने के लिए भाग गया, तो बड्डा जो था 13-14 साल का उसने उसका हाथ पकड़ के ऊपर ने खींच लिया। अच्छा अच्छा। वो 2 बच्चे निकल गए और वे बच गया, एक बच गया, दो बच गए। तो एक रोड के ना तरफ ना बच गया छोटा बच्चा। अच्छा। एक बड्डा था वो खेत के ना बच गया, अपने दादा को। हाँ, एक बार दादा को बताऊं? जल्दी बताओ। हाँ, वो नू तो मोटरसाइकिल रखवाई उसने दो, एक भाई मेरे भाई डूब गए भाई बचाओ, तो वो भागे हुए मोटरसाइकिल लेके आए, तो उनने कपड़े कुछ तारे कुछ नहीं, वे साथ कूदे, कड़े सी काड़े सी, तो दादा भी कूद्या। वो ईसाए था बेचारा जो उस तक गोता ना लग गए, वो भी मतलब माए डूबने वाला था, वो भी दूसरे ने बचाया। फिर तो हादसा बहुत दुखनाश होया जी, बहुत बहुत हमारा तो कति सत्यानाश हो गया। तो दोनों बच्चे अपने परिवार से थे? अपने जी, कति सगे परिवार के, मेरे सगे भतीजे के और मैं उनका दादा लगता हूँ। अच्छा, के नाम थे बच्चे के? तरुण था, एस था। पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे। कौन सी क्लास में थे वो? कौन सी क्लास में थे? दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले बच्चे थे। तो भाई साहब जो अपने दर्शक हैं उनको आप इस बारे में क्या बताना चाहोगे, छोटे बच्चों को लेकर नहर पे जैसे बच्चे जा रहे हैं, तो देखो आज तुम्हारे बीच में भी नहीं, हमने भी अद्दू का आपका बच्चा आपके बीच में नहीं है, लेकिन जो अपने और साथी हैं उनके बच्चे परिवार के चले जाएं खेता में नहाने धोने के लिए चले जाएं, नहर को देख के गर्मी में नहाने का मन करे है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? भाई साहब देखो, अगर जब बच्चा साथ में चला जाता है तो उसको ऐसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, अगर भाई बच्चा कहीं चला गया तो भाई इधर आ जाओ इधर खेल लो, उसको को काम लगाओ, अगर जब काम नहीं लगाते तो भाई उसको ट्रैक्टर बैठाओ, अगर तुम नहीं मानते तो उसको अपने घर पर छोड़ दो जी। उसके पास में एक आदमी बच्चे को संभालने के लिए होना चाहिए। और
हमने बच्चों को तैरना भी सिखाना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, आजकल तो स्कूलों में भी, हाँ स्कूलों में सुविधा है, सिखाते हैं। ये ऐसा है भाई, हमारे तो यहाँ नदी बड़ी बड़ी है, जोड़ तो है अपने, अब तो जोड़ भी गंदे कर दिए, जो हमारा जो जोड़ इसे से थे पवित्र, जो उसमें आदमी गौ पानी पिया करता उसी में सब कुछ प्रसाद बनाया करता, जो गांव का पानी निकाल दिया। जो अपना पहले का टाइम था उस टाइम पर हम इतनी उम्र में तैरना सीख जाया करते। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वैसा ही पूछड़ पकड़ के तैरा करते हैं। हाँ अपना पजामा खोल लिया, वो नाड़ा खेचा और वो पानी मारा, वो गुब्बारे से फूल जाते हो बचाड़ा लोट के अपना तरना सीख क्या करते। आजकल एक तो पशु नहीं है इतने हमारे पास, एक जोड़ खत्म हो गए, जोड़ खत्म हो गए, जाम तैरना सीखा करते। हाँ, हाँ। तो काफी चीजें अपनी लुप्त होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही है, क्यों कुछ आदमी भी नहीं संभाल पाते। भाई ये काम करे हमारे जोड़ थे, इसको अपने ठीक रखे, या ये काम करे इस चीज पर सुविधा रखो कि मैं इस बात को रखो, अगर भाई ये बच्चे हैं हमारे खराब होते हैं, इसको कुछ सिखाओ, कुछ बच्चों को संभालो, तो ये बात होनी चाहिए। तो भाई आपको बता दें दर्शकों, ये जो नहर है जो यहाँ से गुजर रही है, ये हफ्ता 10 दिन नहीं होता, हमें आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है यहाँ पे। काफ़ी बच्चे बाहर से भी आते हैं जिनको ये अनुमान नहीं कि ये कितनी गहरी है। ये तो चलो छोटे बच्चे थे इनको तो नॉलेज थी नहीं, लेकिन बड़े बच्चे भी यहाँ नहाने आते हैं, पार्टी मनाने आते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। बार बार हम वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि लोगों को सचेत किया जाए कि यहाँ गहराई है ज़्यादा और इसके अंदर। हाँ वो ऐसा है, हाँ ऐसी बेल है हरी हरी, वो मियाँ मियाँ पत्तियों की है, इतनी लंबी है, वो 12-12 फुट की है जी, और वो उसके एक और उसके अंदर जड़ ऐसी है जो घुसड़ा सा बन जाती है जी, और वह ऐसे चलती है, ऐसे चलते हैं वो लपेटा लाग गया, जिसको तैरना नहीं आता तो घास का जो घुसड़ा होता है वो उसके अंदर घुस जाता है, वो निकल नहीं पाता, फिर उसके अंदर ही दम तोड़ देता है, अंदर ही फंस जाता, अंदर फंस जाता है, उसको फिर निकाल नहीं पाता आदमी, ना निकल पा सकता। ये बड़े भाई साहब बैठे हमारे, इन ऑफ कैमरा बताया भी हमारे को कि इसमें कई जान तो इन्होंने ही बचाई खुद, क्यों पड़ोस में इनका खेत है वहाँ लगता, तो इन्होंने काफ़ी बार लोगों को सचेत किया है और काफ़ी लोगों की है बचाया भी है लोगों को, लेकिन आज बड़ी दुखी घड़ी में बैठे हैं हम इस परिवार में। ज़्यादा बातें न करते हुए हम यहीं वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही रहा कि ज़्यादा इसका प्रचार किया जाए, जिन लोगों को तैरना आता है वो भी खतरे में, और जिनको तैरना नहीं आता वो तो खतरे में है, और छोटे बच्चों को तो खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे है, नहाने की जिद कर रहा है तो उसको घर पे नहला दो। और गर्मी में ज़्यादा हो रहे हैं ये हादसे जो देखने में आ रहे हैं, गर्मियों की वजह से ज़्यादा हादसे हैं। और प्रशासन से भाई साहब क्या गुहार लगाना चाहते हो आप नहर के बारे में? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, इसकी क्या तो चारदीवारी की जाए जी, या तारबंदी की जाए जी, इसके साथ में जो आदमी बच्चा कुछ जा नहीं सकता जी, ये और हादसे ना, पशु वगैरह भी गिर जाते, पशु भी रोज रोज भी काटे, मैंने दो नीलगाय वगैरह, नीलगाय दो निकाले, एक एकर निकाला हम यहाँ से, कोई 30 आदमी गए ट्रैक्टर से, रस्सा बांधा और वो एकल ऊपर खींचे, हमने ऊपर खींच कर वो निकाला, और वो नील गाय अकेले ने अपना लेकर वो पैड़ी के ना जाकर तले दबड़ के जब उठाया मेरी सारी कड़ छुल गई थी, अकेले ने बाहर ने नील गाय बाहर ने निकाला। देखो भाई कितना भला किया है इन्होंने इस परिवार ने, मतलब रोज मदद की है यहाँ पे पड़ोस में जो भी घटना हो रही है, खूब मदद की है लोगों की, लेकिन भगवान ने जो करना था वो कर दिया। आज बैठे हैं हम यहाँ दुख की घड़ी में बैठे हैं, इस गांव में आए हैं, तो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँच जाए और प्रशासन सचेत हो। और हमारा भी नम्र निवेदन है ये प्रशासन से कि इसका कोई ना कोई तो प्रबंध गांव में जहाँ जहाँ नज़दीक लगती वहाँ तो ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा पहुँचाओ प्रशासन तक, हमारी यही विनती है लोगों से। तो भाई इसी के साथ भारत माता की जय।